रही मैंने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स, दिस इज हमना बिनते शेजान। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डेटा रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे स्किल अप इंग्लिश फॉर द ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज अवॉइड बी फ्रेंडिंग अ स्ट्रेंजर। जैसे कि हम सब जानते हैं इस कहानी को पढ़कर कि इसमें एक स्ट्रेंजर ने एक बादशाह की जो भी उसने इसके साथ एक ग्रेटफुलनेस की थी उसको इन ग्रैटिट्यूड के साथ रिपे किया था। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाउ अब हम चलते हैं थ्री लेटर इनिशियल ब्लेंड्स पे। इनिशियल ब्लेंड्स मीन जब तीन कॉन्सोनेंट्स हमारे पास इकट्ठे आ जाएं और उनके दरमियान कोई वाउल ना हो तो वो हमें साउंड देते हैं और हर लेटर की साउंड हमें अलग अलग आती है। जैसे एस सी आर स्क्रू, एस क्यू यू स्क्वेयर, स्ट्र स्प्र स्थ्र। अब स्ट्रॉबेरी थ्री, स्ट्रॉ स्क्रब स्क्वेयर, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन स्प्रे थ्रेड। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसर द क्वेश्चंस। वांट टू ट्रेवल अराउंड हिज किंगडम। द किंग वॉन्टेड टू ट्रेवल अराउंड हिज किंगडम टू नो हाउ वेल हिज किंगडम वॉज बींग रन। वट एक्ट ऑफ काइंडनेस डिड द किंग डू ड्यूरिंग हिज जर्नी। किंग गेव लिफ्ट टू अ स्ट्रेंजर। Now, why did the king decide not to throw the stranger off the horse? The king decided not to throw the stranger off the horse because in this way stranger will create a fuss and people will ask him to return the horse to the stranger. Now, 4. Why did the king want the judge to decide the case? The king wanted the judge to decide the case because he wanted to find out how well the judge of Basra does his job. Question number 5. How did the judge find out that the horse belongs to the king? The judge put the horse in the stable from where judge and the stranger had to pass the way to the court. When the stranger passed, the horse did not look up. But when the king passed, the horse stretched out his head and neighed as horses only do when their master approaches. Now, vocabulary and grammar. Now, vocabulary and grammar में अब हमारे पास यहाँ पर countable and uncountable nouns हैं। Countable nouns कौन से होते हैं? Countable nouns वो वाले nouns होते हैं जिनको हम count कर सकते हैं। जैसे कि countable noun में हम देखते हैं player, month, egg, match, bread and uncountable noun में fitness, stamina, meet, pride and record. I hope आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।